हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। हरियाणा पशुपालन व डेयरी विभाग के प्रधान सचिव वी राजा शेखर ने कनीना के उप नागरिक अस्पताल का दौरा किया। उप नागरिक अस्पताल में कोविड-19 के संबंध में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ जिला उपायुक्त राम कुमार सिंह, CMO डॉक्टर अशोक कुमार, SDM रणबीर सिंह, BDPO युद्धवीर सिंह, SMO डॉक्टर धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे। उन्होंने यहां पर सैंपलिंग से लेकर मरीजों के दाखिल होने तक की सारी प्रक्रिया के बारे में CMO से जानकारी ली। CMO डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि 4 मंजिला भवन में काफ़ी जगह तथा इसे पटीकरा से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर जल्द ही बेड आदि की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिजली पानी आदि सभी व्यवस्थाएं यहाँ हो चुकी हैं और जनरेटर की व्यवस्था भी कर दी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पर कोविड-19 के मरीजों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ता बनाया गया है। अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर इस उप नागरिक अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। श्री शेखर के जाने के बाद उपायुक्त RK सिंह ने जहां अस्पताल में कोविड-19 को लेकर की जा रही सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। DC ने कहा कि यहां पर नागरिकों को आते ही सभी प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी काउंटर पर ही मिलनी चाहिए। इसके बाद उपायुक्त RK सिंह और उनकी टीम DAV कॉलेज पहुँची। DAV कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए बनाए जा रहे 200 बेड के अस्पताल को लेकर शुक्रवार को हरियाणा सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजा शेखर वंडरू के द्वारा निरीक्षण किया गया। उनकी टीम के द्वारा यह निरीक्षण लगातार शाम तक किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। किस लिए यहाँ जाकर? पूरे विश्व में बढ़ते हुए कोरोना महामारी के केसेस के कारण उसी स्तर की तैयारियों के लिए हम इस ज़िले में जितने भी छोटे छोटे गांव से लेकर उससे बड़ी म्यूनसिपल कमेटी और हर शहर के अंदर हम इस प्रकार की फैसिलिटीज़ तैयार करना चाह रहे हैं कि किन्हीं भी परिस्थितियों में हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, कोई कोविड पॉजिटिव केस है या क्वारंटाइन के लिए है, दोनों ही और तीनों ही परिस्थितियों में हम यहाँ पर लोगों को रख सकें, ताकि जो कुल मिला के जो सरकारी व्यवस्था, जो सरकारी स्थान पर हैं हमारे पास, चाहे वो PHC, CHC या सिविल हॉस्पिटल हैं, इसके अलावा जो जरूरत पड़ेगी हम इस प्रकार के जो संस्थाएं हैं इनको लेके और कुछ प्राइवेट संस्थाओं को लेके पूरे बेड तैयार करेंगे और हर बेड के साथ ऑक्सीजन अवेलेबल होगी ताकि परिस्थितियों को हैंडल कर सकें। थैंक यू।